उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार और आईक्यू वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम दो बोर्ड लेकर आए हैं कटअप, जिसमें आरआरबी चंडीगढ़ और आरआरबी मालदा, आरआरबी मालदा और आरआरबी चंडीगढ़, ये दो बोर्डों का कटअप हम एक्सेप्टेड बताने वाले हैं कि कितना जा सकता है लगभग में बताने वाले हैं। और पिछले साल 2015 में कितना था इसका कटअप, ऑफिशियल कटअप, वो भी हम आपको बता देंगे। और सीट कितनी थी, और तो 2019 में कितना सीट है और कटअप कितना जाने का संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें कि कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। 1 सितंबर से हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सब्जेक्ट का सीबीटी एनटीपीसी सीबीटी टू के लिए सारे सब्जेक्ट कवर कराया जाएगा 1 सितंबर से। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस जो भी होता है सब आपको कवर कराया जाएगा बिल्कुल फ्री में 1 सितंबर से, याद रखिएगा डेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आरआरबी मालदा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, लड़कों ने, कि सर मालदा का बताइए, मालदा का बताइए। तो चलिए आप देखते हैं मालदा का कटअप पिछले साल क्या था और इस साल क्या होने वाला है सीबीटी वन का। ये जो कटअप है सीबीटी 2015 का जो मैंने लिया है, ये डाटा दिया हुआ है आरआरबी के बोर्ड साइट पर जाके आप देख सकते हैं। इसमें कोई मैंने अपने से नहीं डाला है, तो ये जो भी डाटा है सब आरआरबी के वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं सीट कितने थी। तो टोटल सीट मात्र 278 थी 2015 में एनटीपीसी मालदा आरआरबी में, मात्र 278 सीटें थी। और ये प्लस 33 हमने लिखा है, ये जो +33 है ये मैंने ये सीटें लिखा है, एक सर्विसमैन का 25 और पीडब्ल्यूडी का 8, और ये जो है चारों मिलकर 278 सीटें हैं। तो टोटल देख लीजिए 278 +33। अब फॉर्म कितना फिलअप हुआ था, तो देखिए इसका कोई प्रॉपर डाटा हमें नहीं मिला। हमने जो इस बार 2019 का डाटा मिला है उसके ही मुताबिक पिछले साल का भी अनुमान लगाया है कि इतना हो सकता है। तो इस बार कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं देख लीजिए, 2,37,437 +1,565। ये 1,565 प्लस जहाँ जहाँ हमने लिखा है, ये इन दो सीटों के लिए फॉर्म फिलअप हुआ है, एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी, ये दोनों मिलकर इतना फॉर्म फिलअप हुआ है। तो इसी अनुमान से हम इसमें लगाते हैं एनटीपीसी 2015 में कि लगभग 2,00,000 फॉर्म मान लीजिए फिलअप हुआ होगा। इसका कोई प्रॉपर डाटा मिला नहीं, फिर भी हम अनुमान लगा रहे हैं कि लगभग 2,00,000 फॉर्म फिलअप हुआ होगा। तो देखिए पेपर कैसा था पिछली बार, देखिए तो क्या है कि मॉडरेट हम मान के चलेंगे पेपर, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट इजी भी थे और बहुत सारे शिफ्ट हार्ड भी थे और बहुत सारे मॉडरेट भी थे, तो हम मीडियम मान के चलते हैं कि पेपर मीडियम होगा, ठीक है। तो देखते हैं कटअप कितना गया था। देखिए यूआर का मात्र 135 सीटें थी मालदा में, आरआरबी मालदा में एनटीपीसी 2015 में मात्र यूआर का 135 सीटें थी, ओबीसी का मात्र 75, एससी का 43, एसटी का 25, टोटल 278। कटअप कितना गया था, तो इतना कम सीट होने के बावजूद भी कटअप 61.87, ये ऑफिशियल कटअप है, आप जाकर देख सकते हैं वेबसाइट पर। और ओबीसी का तो मात्र 48 गया था, एससी का बात करें तो 43, एसटी का बात करें तो 31, ये कटअप हो गया 2015 का। ये एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का कटअप मुझे नहीं मिला, तो आप लोग कहीं से देख लीजिए, अगर मिले तो कमेंट कीजिए कटअप कितना गया होगा। अगर कोई भाई हो जो क्वालिफाई किया हो तो बता सकते हैं कि कटअप कितना गया था पिछली बार, तो ये कमेंट करिएगा आप कमेंट बॉक्स में। अब इस बार देखते हैं कि कितना जा सकता है कटअप। पहले तो आप सीट देख लीजिए कितना है, टोटल 1,043 टोटल सीटें हैं, 1,043, पिछली बार थे 278 मात्र थे, लगभग 4 गुना सीटें अधिक हैं इस बार। देखिए 1,043 +146 प्लस जो किया हूँ मैं, एक सर्विसमैन का 101 और पीडब्ल्यूडी का 45, ये दोनों जोड़ा हूँ मैं, ठीक है। फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं इस बार, तो इस बार फॉर्म फिलअप हुए हैं देख लीजिए 2,37,437 और +1,565। ये जो +1,565 है ये एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के मिलके इतने लोगों ने फॉर्म भरा है और सीट है उनका 146। अब आप इसी से अनुमान लगाइए कि लगभग 20 गुना रिजल्ट देगा, तो हम इसमें 120 से गुना करेंगे तो 3,000 हो रहा है। अगर मान लीजिए लगभग 3,000 होगा तो भैया फॉर्म ही गिरा है 1,565, तो क्या नहीं होगा रिजल्ट, सबका रिजल्ट होगा इसमें। ये जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं और एक सर्विसमैन है, पूरे के पूरे चांस है कि सबका रिजल्ट हो जाएगा। अब यूआर जनरल ओबीसी की बात करें, देखिए
यूआर का 480 सीटें हैं इस बार, पिछली बार थे मात्र 135। ओवरऑल चार गुना सीटें अधिक है हर डिपार्टमेंट, आबाद ओबीसी यूआर हर कैटेगरी में। तो देखिए कट ऑफ कितना जाने का अनुमान है इस बार, देखिए यूआर का 60 से 62, इससे अधिक कट ऑफ नहीं जाएगा यूआर का, आप देख लीजिएगा जब रिजल्ट आएगा। ठीक है, ओबीसी का बात करें तो 58 से 60, इसके बीच में ही रहने वाला है यूआर का और ओबीसी का। एससी का 50 से 55, एसटी का 45 से 50, ईडब्ल्यूएस का 58 से 60, और एक सर्विसमैन और इनका तो भैया जो भी फॉर्म भरा है मिनिमम पासिंग मार्क जो होगा उस पर भी रिजल्ट हो जाएगा, फिर भी हम 40 से 45 और 45 से 50 मानकर इसको चल रहे हैं। तो ये था आरआरबी मालदा का एक्सेप्टेड कटअप, अनुमानित कटअप। ठीक है, ये था आरआरबी मालदा का अनुमानित कटअप। अब देखते हैं चंडीगढ़, भैया यहाँ पर बहुत धक्का मुक्की होने वाला है इस बार चंडीगढ़ में, क्योंकि फॉर्म बहुत ज़्यादा फिलअप हुए हैं। पिछली बार कम फॉर्म आए थे, लेकिन इस बार, पिछली बार सीटें भी बहुत कम थी, इस बार ज़्यादा सीट होने के कारण देखिए 2483 सीटें हैं, लगभग 2500 सीट है, तो ज़्यादा सीट होने के कारण फॉर्म यहाँ पर ज़्यादा फिलअप हुआ है। 11,73,523 फॉर्म यहाँ पर फिलअप हुए थे। अब मानते हैं कितने लोग एग्ज़ाम दिए होंगे, तो लगभग मान लेते हैं हम यहाँ पर 7,60% तो कम से कम तो एग्ज़ाम में अपेयर ही हुए होंगे, इतना मान के चलिए आप, तो लगभग 7,00,000 स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए होंगे। पिछली बार का हम देखते हैं, पिछली बार यूआर का जो टोटल सीटें थी 304 प्लस 37, ये दोनों जोड़ के 37, यानी ये जो था ओबीसी एससी एसटी और यूआर टोटल सीटें थी 304। कट ऑफ देखिए भैया पिछली बार का कट ऑफ, जनरल का 82.27, ओबीसी का 71.47, एससी का देखिए कितना गया कट ऑफ, सबसे अधिक कट ऑफ एससी का यहीं पर गया था एनटीपीसी 2015 में, सीबीटी 1 का कट ऑफ सबसे अधिक यहीं पे गया था एससी लोगों का 71.87, यानी लगभग 72%, और एसटी का 46.71। तो इस कट ऑफ पे हमको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि देखिए भैया यहाँ पर मात्र 304 सीटें हैं और यहाँ पर कितना है 2483 सीटें, लगभग 8 गुना अधिक सीटें हैं, यहाँ पर 8 गुना अधिक सीटें हैं पिछली बार से। तो कितना जा सकता है कट ऑफ देख लीजिए, एग्जाम दिए हैं 7,00,000 लोगों ने, पिछली बार कितने एग्जाम दिए थे तो लगभग 4,00,000 लोगों ने। ठीक है, तो देखिए कट ऑफ कितना जाने का अनुमान है। सीट, अगर सीट की बात करें तो यूआर का है 1014 सीट, ओबीसी का है 670, एससी का है 371, एसटी का 190, ईडब्ल्यूएस का 238, और एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी का टोटल मिलकर 291 सीटें हैं। देखिए यहाँ पर 291 सीटें हैं और 20 गुना भी रिजल्ट देता है तो देखिए क्या होगा इसमें, 20 गुना अगर हम जोड़े टोटल कितने भरे हैं हुए फॉर्म, फॉर्म फिलअप हुआ है एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी का 11,435, तो अगर हम इसका 20 गुना करेंगे तो लगभग 5,000 आएगा, सॉरी अगर हम इसका 20 गुना करेंगे तो लगभग 6,000 के आसपास आएगा, यानी कि 11,000 में से 6,000 लोगों का जब रिजल्ट होगा, ये तो फॉर्म भरा गया था 11,000, अपेयर कम ही हुए होंगे तो 9,000 मान लीजिए अपेयर हुए होंगे, तो कितना चांस है आपका रिजल्ट आने का, यानी कि 60 से 70% चांस है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा जिसने भी एग्जाम में बैठा होगा, जिसने भी एग्जाम दिया होगा। तो कट ऑफ कितना जाने का अनुमान है देख लेते हैं, यूआर का कट ऑफ कितना जा सकता है चंडीगढ़ में, तो यहाँ पर देखिए 65 से 70, इससे कम नहीं होने वाला है, आप इसको नोट कर लीजिए, जो भी यूआर कैंडिडेट हैं और इनके बीच में जिनका नंबर है वो बेफिक्र रहें, 65 प्लस जिनका भी नंबर है उनका 100% चांस है कि रिजल्ट होगा। ओबीसी का बात करें तो 60 से 62, ओबीसी में 60 से 62 जा सकता है कट ऑफ। यहाँ पर देखिए कट ऑफ हाई जाने का कारण है, बहुत सारे स्टूडेंटों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया है, बहुत सारे फॉर्म यहाँ पर फिलअप हुआ था। एससी का बात करें तो 55 से 58 जा सकता है, इसके बीच में ही रहेगा, इससे अधिक नहीं जाएगा, और ये जो भी मैं बताया ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन फाइनल कट ऑफ मैं बताया हूँ, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद का कट ऑफ। एसटी का बात करें तो 50 से 52 जा सकता है, ईडब्ल्यूएस तो ये जो ईडब्ल्यूएस का है ये ओबीसी के बराबर ही रहेगा, एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है। एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी, इन लोगों का तो जो भी मिनिमम पासिंग मार्क होगा उस पर रिजल्ट हो जाएगा।
ये रिजल्ट होने का पूरी पूरी संभावना है। तो ये था आज का दो बोर्ड का एनालिसिस, आरआरबी मालदा और आरआरबी चंडीगढ़। आगे आपको किस बोर्ड का चाहिए आप कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।